नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गली गली एंटीजन टेस्ट करने से थमेगा कोरोना संक्रमण। मकान का ताला तोड़कर 1,64,000 का माल चोरी। बंगाल हिंसा, भाजपा का आज आंदोलन। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। गली गली एंटीजन टेस्ट करने से थमेगा कोरोना संक्रमण। शहर के गली गली में कोरोना मरीज है। मरीजों के संपर्क में आकर स्वस्थ लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक उन्हें पता ही नहीं चलता। टेस्ट करने से पहले खुलेआम घूमने के कारण कई लोग संपर्क में आकर संक्रमित हो रहे हैं। शहर के गली गली रैपिड एंटीजन टेस्ट कैंप लगाने पर इस तरह संक्रमण का प्रसार रोका जा सकता है। मंगलवारी जोन में हाल ही में विशेष कैंप लगाकर टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग में पॉजिटिव आए मरीजों ने अपने आप को होम आइसोलेट कर लेने से संक्रमण का प्रसार थमने में मदद मिलने का विश्वास पूर्ण जोन सभापति अरुण डवरे ने व्यक्त किया। तो वही दूसरे और मकान का ताला तोड़कर 1,64,000 का माल चोरी। कलमना इलाके में 18 अप्रैल से 2 मई के बीच अज्ञात चोर एक मकान का ताला तोड़कर गहने सहित करीब 1,64,500 रुपए का माल चुरा कर ले गया। पुलिस के अनुसार नारायणी माता मंदिर हंसापुरी निवासी रंजीश पांडे ने भाई कैलाश पांडे के घर में चोरी होने की शिकायत कलमना थाने में दर्ज कराई। तो वही तीसरे और बंगाल हिंसा, भाजपा का आज धरना। चुनाव नतीजों के पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद भाजपा ने बुधवार 5 मई को शहर में निषेध धरने का आयोजन किया है। सुबह 10 से 11 बजे तक शहर के करीब 300 स्थानों पर 3-4 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में धरना देकर घटना का निषेध किया जाएगा। शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, प्रदेश सचिव चंद्रशेखर बावनकुले, अर्चना डेहनकर तिलक पुतला महल कार्यालय के पास निषेध धरना करेंगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।